नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग। और ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, हमारे लाइव क्लास का वीडियो है, जिसमें दो लोग हैं, जाहिद जी और तेजेंद्र जी। तेजेंद्र जी आपका हांगकॉन्ग से है और जाहिद जी इंडिया से है। और सुबह हमारी 6:30 बजे की बैच है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीवीए फंक्शंस। अगर वीडियो लगे अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं डेली बेसिस में 10 से 15 वीडियो अपलोड करता हूं जो कि आपको मिल जाएंगे। तो आज की हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस। हमने फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो कि हमने एरे से सॉल्व किया था, उसको हमें सॉल्व करना था फंक्शन से। सबसे पहले बात करते हैं कि दो डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ सैटरडे या पर्टिकुलर डे कितना है, कैसे पता करें। तो चलिए इसके लिए हम फंक्शंस लिखते हैं। तो यहां मॉड्यूल को हम इंसर्ट करते हैं और यहां पे फंक्शन, और फंक्शन में मैं यहाँ पे काउंट डे के नाम से फॉर्म बनाता एज ए डेट, मतलब कि स्टार्ट डेट, और ई एन मतलब एंड डेट, एंड एज ए तीन इनपुट्स हमने लिए। मतलब अब बाहर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे सी डे का, यहाँ देखिए इक्वल सी डे फॉर्मूला, इसमें हम ए स्टार्ट डेट सिलेक्ट करेंगे, एंड डेट सिलेक्ट करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में मुझे सैटरडे चाहिए तो सैटरडे यहाँ पे लिखेंगे। ए फोर की जो वैल्यू है वो हमारा एस टी स्टोर कर लेगा, और बी फोर की जो वैल्यू है वो हमारा ई एन स्टोर कर लेगा, और जो सैटरडे है वो डी स्टोर करेगा। चलिए इसकी कैलकुलेशन। तो हमने फॉर्मूला का पहला चरण पार कर लिया, वो है डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की। तो यहां करते हैं डिम आर एज डेट, और यहां पे हम लिखते हैं फोर आई इक्वल टू चले एस टी टू ई एन, क्योंकि डेट भी एक तरह का नंबर होता है ना, तो यहां पे हम चला रहे हैं इसको डेट नहीं कर। हाँ, इसके बाद इफ कंडीशन देते हैं कि इफ फॉर्मेट आई कॉमा ट्रिपल डी इज इक्वल टू डी दैट, यहाँ पर हमने जो डेट दिया है, डेट नहीं है, इसको भी कर देते हैं, इंटीजर कर देते हैं। हमने बोला कि फॉर्मेट आई अगर हमारे जो डेट दिया उससे बराबर हो तो आई के ऊपर एक काउंट ऐड हो जाए, और फिर एंड ये हमें नंबर ऑफ नेक्स्ट आई होना पड़े ना सर। आई नहीं होगा, मतलब तो कि आर होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जितना भी डेट था स्टार्टिंग से एंड तक, हर एक डेट को रन किया, उसको हमने कन्वर्ट किया सैटरडे में, मतलब डे में, तीन वर्ड के डे में, शॉर्ट नेम ऑफ द डे। फिर हमने मैच किया कि क्या हमने जो दिया हुआ हम जो चाहते वही है, अगर वो है तो आर के ऊपर एक काउंट स्टोर कर दो। तो आर के ऊपर कितना नंबर ऐड होगा, जितना इसको सैटरडे मिलेगा, या फिर जो डे हम डे हमने डाला और डे मिलेगा, तो देखिए फाइनली आर पे जो वैल्यू स्टोर है वही आपका रिजल्ट है। तो अब फॉर्मूला का असाइन कर देते हैं, रिजल्ट असाइन करते हैं, डी डे इक्वल टू आर, और बाहर आपका 0 के जगह पे, अब मैं एंटर मारता हूं, 4 आ गया। हम्म,
वापस सी डी का फॉर्मूला लगाता हूँ। हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट लिया, हम यहाँ पे एंड डेट लेंगे। अब यहाँ पे हम देते हैं संडे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 4 दिख तो रहा है लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं तो ये आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि वीवीएम में केस सेंसिटिव होता है, तो जैसे यहाँ पे जो फॉर्मेट देगा वो इसका जो स्टाइल होता है वो होता है SUN का। तो अगर आप केस सेंसिटिव रखना चाहते हैं तो रखिए, आप चाहते हैं नहीं है, बड़ा है छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता है, दे रिजल्ट गलत देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। तो यू केस का फॉर्मूला हम लगाएंगे और दोनों को हम अपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या एल केस लोअर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अब फॉर्मेट चाहे जो रिजल्ट दे, यूजर चाहे जो डेट टाइप करे, ये दोनों को मैच करते समय अपर में कन्वर्ट कर देगा। तो फिर आपका रिजल्ट आपके यहाँ आ गया, बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तेजेंद्र जी एंड जाहिद जी, इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है आपको? क्लियर सर। हेलो, चलिए अब अगले को। हाँ बोलिए। सर ये हो सर नहीं आ, ये इफ फॉर्मेट आई कोमा डी तो सही बार ये बताओ प्लीज। जी सर, इसको मैं, हमारा आई क्या है, डेट है ना, यस सर, डे में से सिर्फ डे को निकाला है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मूला में करते थे जी सर, वही है। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट जो फॉर्मेट हम वीवीएम में यूज करते हैं वो सेम आपका टेक्स्ट फॉर्मूला है। जैसे 3 बार डीडी कर दिया, ये क्या निकाल देगा, डे निकाल देगा। जी ठीक है, जी इसी डे को मैच करेगा डी के ऊपर। डी क्या डाला हुआ है, डे डाला हुआ है। जैसे बताया था शुरुआत में कि सैटरडे जो है वो स्टोर हो गया डी के ऊपर, डी इक्वल टू सैटरडे। तो वो क्या कर रहा है कि हर, मतलब कि ये हुआ क्या बताता हूँ आपको, इसने क्या किया, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा जितना भी डेट है उस डेट को, एक मिनट इस पे बताना सही नहीं रहेगा, अब क्या करेगा फंक्शन कि जैसे यहाँ पे 1 नवंबर है ना, 1 नवंबर 2000 जी सर, है, 1 नवंबर 2016 है, तो क्या करेगा, अब वो 30 नवंबर तक का डेट निकालेगा। अरे याद नहीं आपको, अरे में तो बताया था ना आपको मैंने। एरे नहीं करवाया हमें अच्छा, वो आपका तो एक्सेल, एरे एक्सेल बाद में था ना, जी सर। टेक्स्ट, और यहाँ पे पहले कन्वर्ट करेगा डी 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 इस तरह से। ठीक, और फिर चेक करेगा कि इफ अगर ए इक्वल टू सैटरडे है, द डी है, तो यहाँ पे 1 देगा अदरवाइज 0 देगा, और फिर 1 को काउंट कर देगा, समझे। ओके इसी काम को ये लूप में कर रहा है, एसटी से ईएन किया, मतलब कि इसने यहाँ इस तरह से लिख दिया, फिर इफ फॉर्मूला के साथ टेक्स्ट का कन्वर्ट करके चेक किया, ऐसा हुआ तो 1 स्टोर कर दिया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे किसी भी महीने का डेट डालें, जैसे कि मैं इसी महीने का डेट डाल दें, मुझे इस महीने की सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे का डेट चाहिए। जी तो इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे, ये जो मेथड है इसी मेथड से करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले तो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन और यहाँ पे एन डेट के फॉर्मूला लगाता हूँ, और यहाँ पे एस टी एज ए डेट,
में सीरियल नंबर एज ए इंटीजर और डी एज ए फॉर्मूला हमने लगाया है, क्योंकि जो भी सेकेंड थर्ड भी लिया जा सकता है ना। यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे इस तरह से, एंड डेट, एंड डेट में हम इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, मुझे सेकेंड सैटरडे चाहिए। ध्यान से देखिएगा जाहिद जी, जी सर, लास्ट में मत बोलिएगा सर ये कैसे हुआ। इसमें जो ए थ्री है वो हमारा क्या है, ई एन है, टू क्या है हमारा एन है, एस एन है, और सैटरडे क्या है डेट है। मतलब यहाँ पे आएंगे तो ए आपका हो जाएगा 1 नवंबर, ए आपका टू है, ए क्या है आपका सैटरडे, ठीक है। ये क्या सर, एस एन, ऐसे हमारा नंबर ऑफ नंबर है टू, सेकेंड सैटरडे चाहिए ना, इसलिए टू दिया हमने, ओके ठीक है जी। अब यहाँ पे लूप लगाना, लेकिन मेरे पास इसका सिर्फ स्टार्ट डेट है, इसका एंड डेट जी लगा जी सर। एंड डेट कैसे निकलेगा, एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ से, ईओ मंथ, ईओ मंथ तो डायरेक्ट सपोर्ट करता नहीं है, आप लगा के देख लो जी सर, डायरेक्ट सपोर्ट करता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम जी, एप्लीकेशन वर्कशीट फंक्शन, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, ईओ मंथ में हमने डाल दिया क्या एंड डेट कॉमा जीरो, तो इसी महीने की लास्ट डेट निकाल देगा, तो हमारा लूप पूरा महीने के हिसाब से चलेगा, ठीक है जी। हमें क्या करना है, हमें आप एक एक डेट को डे में कन्वर्ट करके चेक करना है, ठीक है जी। आर एज यहां पे हम करेंगे इफ फॉर्मेट, फॉर्मेट में देंगे आई कॉमा 3 बार डी डी इज इक्वल टू डी एंड आर इक्वल टू आर प्लस 1 एंड डी, समझ गए जी आप लोगों को, जी सर समझ में आ गया ना ये वाला, ठीक है सर। हम क्या करेंगे कि एक एक डेट को चेक करेंगे कौन सा डेट है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेकेंड सैटरडे लास्ट सैटरडे इस तरह से चाहिए ना, तो आर पे स्टोर करेंगे, फिर हम आर को चेक करेंगे कि पे जो स्टोर हुआ है फर्स्ट सैटरडे है या सेकेंड सैटरडे है, तो हमने बोला कि आर इक्वल टू टू दैट, तो हम टू नहीं डालेंगे, हम डालेंगे एस एन। हेलो सर, स्क्रीन व्हाइट क्यों हो गई एकदम, स्क्रीन व्हाइट हो गई है, यस सर आपकी भी दिखाई दे रहा कुछ भी है, मेरे को ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कैन से प्रॉब्लम है दुजेंद्र जी, सर मैं दोबारा कर रहा हूँ कनेक्ट, आगे स्क्रीन नहीं सर, रीजन कर जी सर, रीजन के लिए सी हेलो सर, जैसे हमने अभी किया जैसे इफ फॉर्मेट आई कोमा डी डी, और ये जो हम बाहर बराबर डी कर रहे हैं, तो ये जो बाहर जो हम डी कर, हमने इसमें से डी डी मतलब निकाल लिया है, ठीक है, डे हमने एक बार सुनिए, हमने क्या लगाया लूप लगाया है,
एसटी से लेके एन डेट तक, ठीक है। यस सर तो ये जी सर क्या कर रहा है कि पूरे महीने का डेट हमें दे रहा है एक एक करके वन बाय वन। जी यदि उसने 1 नवंबर का दिया तो हमने क्या किया, 1 नवंबर का उसने क्या दिया, डेट दिया, लेकिन मुझे डे के अकॉर्डिंग चेक करना है कि सैटरडे है संडे या मंडे है। तो हमने इस जी डेट सर को डे में कन्वर्ट किया, समझ गए, ओके जी डे में कन्वर्ट किया। और डे में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो डी है मतलब जो जो डे चाहिए हमें जिसको हम जिसको मैच जी सर चाहिए हमें उस डेट के जी सर इक्वल किया। तो एक ओके तारीख मान जी थर्सडे था तो दे इक्वल नहीं हुआ फिर चलेगा, 2 तारीख मान लीजिए फ्राइडे था फिर चेक किया नहीं हुआ, 3 तारीख सैटरडे था तो मैच हुआ और सैटरडे यहाँ पे मैच होने के बाद आर के ऊपर एक वैल्यू साइन हो गई कि 0+4 क्योंकि पहली सैटरडे है, 3 तारीख जी पहली सैटरडे है। फिर इसको कंटिन्यू जी सर आगे की तरफ बढ़ेगा 3 से फिर वापस फिर आपका 10 तारीख आएगा। जी सर 10 तारीख को इसने देखा कि भाई सैटरडे है तो इसने एक और ऐड कर दिया, तो पहले से आर पे 1 था जी तो ये हो गया जो ये जी सर सैटरडे हो गई। अब मेरा ये इफ चेक करेगा कि क्या आर इक्वल टू 2 है, मतलब कि जो एसएन में हमने डाला हुआ है एसएन क्या है 2 जी सर 2 है सेकंड सैटरडे जी सर अगर सर 2 है 2 है तो आई पे जो डेट है जिसको हमने भी कन्वर्ट किया है वही डेट हमें चाहिए। तो जी डायरेक्ट क्या किया कि जो हमारा फंक्शन का नेम था जिससे रिजल्ट बाहर होता है यहाँ पे हमने किया हुआ है ना, हमने रिजल्ट जी को बाहर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मुझे मेरा रिजल्ट मिल चुका है लेकिन लूप फिर भी चलेगा क्योंकि लूप चलेगा लास्ट तक, दिख रहा है ना सर आपको जी लेकिन मुझे लास्ट तक नहीं चलाना है क्योंकि मुझे रिजल्ट मिल गया तो उसे आगे क्यों चलना, क्या। जी तो हमने यहां पे लिख दिया एग्जिट फंक्शन। तो यही पे फंक्शन को स्टॉप कर दिया, मतलब अगर मैं इसको मैन्युअली करूं तो लूप क्या कर रहा है, लूप कर रहा है इस तरह ये काम कर रहा है कि 1 से लेके 31 नवंबर तक का डेट 1 बाय 1 देगा, ठीक है। 30 में 31 नवंबर नहीं होता 30 नवंबर होता है, 30 नवंबर का डेट 1 बाय 1 देगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इफ टेक्स्ट, जैसे वहां पे इफ फॉर्मेट है तो यहाँ पे हो जाएगा जी सर टेक्स्ट, ठीक है। इक्वल टू वहां पे क्या है डी है तो डी हमारा क्या है सैटरडे है, ठीक है, कॉमा 1 अदरवाइज 0। तो ये क्या होगा, ये आपका 1 ऐड हो जाएगा। तो अब क्या है कि देखा 1 फिर नीचे आया तो 2 हो गया, चेक करते आ रहा है आर, ये आपका क्या हो गया आर हो गया, यहां आप देखिए ए आर जो है ए आर, ठीक है। तो 1 आर अपने पर स्टोर कर रहा है, देखा कि ए यहां पे देखा कि 1 है तो ठीक है 1 ले लिया इसने, और फिर 1 लिया 1+1 ये 2 हो गया। जैसे 2 हुआ सेकेंड कंडीशन चेक हुआ ए वाला कि क्या जो आर है वो 2 है, अगर 2 है तो यही पे इस डेट को अलग करो और मुझे इस okay. नहीं देखना है तो यहां पे हमने एंड कर दिया छोड़ दिया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ओके 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 समझ गया जी सर मुझे थर्ड चाहिए तो फिर वो यहां देखेगा, फोर्थ चाहिए तो मैं यहां देखेगा, ठीक है ओके सर। एक
आर प्लस वन रिजल्व नहीं किया ना सर हमने, इसका सेकंड सैटरडे को रिजल्ट निकाला नहीं है हमने, रिजल्ट निकाल फॉर में एन डेट इक्वल टू आई ओके दुआ लगाता इक्वल एन डेट स्टार्ट डेट कॉमा सेकंड कॉमा सैटरडे ST2 application dot ended 0 R equal to SN, then N date equal to I is function. Next time. ये सब कुछ तो सही है, कोई ऐसी चीज मिसिंग नहीं है। मुझे अभी फॉर्मूला का ये देखना है कि एरर कहाँ पे आ रहा है। इसके लिए अब देखिए एरर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि स्टेप इन्फो यहाँ पे नहीं चलता है, तो मुझे इसको यहाँ इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट में, और क्योंकि सब्जेक्ट में यहाँ चलेगा और यहाँ पे मैंने बोल दिया आपका ई एल एस टी एस टी यहाँ पे डिम एस टी एज ए डेट ये भी देख लीजिए, जब फॉर्मूला आपका वर्क नहीं करेगा तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एस एन इक्वल टू टू और डी इक्वल टू सैटरडे एक नवंबर 2019 सर रिजल्ट आना चाहिए एम एस जी बॉक्स इक्वल टू आर एग्जिट फंक्शन है एग्जिट सब होगा। ओके पता चल गया है क्या है, यहाँ पे एन डेट कर दिया, मुझे यहाँ पे एन डेट नहीं यहाँ पे ई एस टी करना था, एन डेट तो फंक्शन नेम था ना हमारा, जी सर आ गया रिजल्ट का। ठीक है सर, सेकंड डेट अगर मैं यहाँ पे थर्ड डे करूंगा तो थर्ड का आएगा, फोर्थ करूंगा तो मेरा फोर्थ का दिखाएगा। अब आपको इसी को रेफरेंस में लेते हुए लास्ट डेट का बनाना है कि हर महीने की लास्ट डेट आ जाए। ओके सर, ठीक है, लास्ट डेट के लिए क्या करोगे आप देख लीजिएगा, ठीक है जी सर। ये छोटा मोटा फॉर्मूला तो बना ही सकते हो, ये ही बना आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताता हूं। तो फंक्शन एट जी के नाम से, जी के नाम से मैं बना रहा हूं फंक्शन, यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे डिम आर एज ए लॉन्ग इंटीजर
और यहां पे हम देंगे एक और आएगा डिम, अब एन भी कर देता हूं मैं, एन तो है ही है। टी आर इक्वल टू मिन, आर इक्वल टू आर प्लस मिड, नहीं से लूप लगे ना पहले, फोर आई इक्वल टू चले वन टू लेंथ ऑफ एन, जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर है उतना बार चले। यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस मिड, और मिड में इस एन में से आई से स्टार्ट करें और नंबर ऑफ वन करेक्टर को अलग करें, एन जी डी जी। ठीक है, 1495 आ गया, तो 1495 तो नहीं, स्ट्रिंग है टेक्स्ट। ये क्या सर, वेल मेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है, निश्चित है क्यों कर रहा है, मैं अगर ये दे दूं बोल दूं उसको, मैं बोलता हूं भाई आर एट तक चले, अगर इन एंजिन लॉन्ग यहां पर इन एंजिन में वेरिएंट कर देता हूं तो चलेगा, क्योंकि तो लॉन्ग की कैपेसिटी से लग रहा है बाहर है, और यहां लेन, लेन होता है लेंथ देता है कितना लेंथ का है एन, हमने बोला कि कितना लेंथ का एन है, सही। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बोला कि भाई चलो, उसके बाद हमने हर एक डिजिट को अलग किया, मिड हम मिड ने क्या किया, जैसे कि मिड फॉर्मूला में हमने दिया मिड, मिड हमने इसको सेलेक्ट किया, बोला कि पहले से इसको नहीं है, इसको सेलेक्ट करना है, बोला कि पहले से एक लेटर वन अलग किया, फिर यहां पर वापस मैंने मिड सेकेंड लूप चला, सेकेंड लूप में जो है ये दो हो गया, मिड का फॉर्मूला चला, और मिड ने क्या किया, इसमें से थर्ड को अलग किया, और से थर्ड लेटर से एक को अलग किया, तो ऐसे आपका वन टू थ्री कहां तक चला,
जितना लेंथ है, जितना लेंथ जी एल है वहां तक चलना। हर लेटर को अलग करता गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये आपका सम जो है इसको सम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सम? क्योंकि ये नंबर जो है आपका वो नंबर टेक्स्ट में है, इसलिए जीरो आ रहा था। इसलिए हमने यहाँ पे वैल का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू का फॉर्मूला एक्सेल में होता है ना, वैल्यू का फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है। यही काम वैल्यू किया है कि भाई वैल्यू कन्वर्ट करके आर में एड करते चला जा रहा है, जो फाइनली आर में वही आपका रिजल्ट होगा। ओके ठीक है, एक लोगों को भेज देता हूं, आप लोग इसको काम कीजिए और बाकी क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है सर। और अभी आज की जो रिकॉर्डिंग है 10 मिनट आ जाएगी इस पे। ओके सर। यूट्यूब पे आ जाएगी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ओके सर। यूट्यूब पे चली जाएगी सर। ओके बाय।